लुधियाना दी दाना मंडी स्थित होलसेल पटाका मार्केट विखे पंजाब सहित आस पास दे राज राजस्थान हिमाचल प्रदेश हरियाणा ते चंडीगढ़ विखे लोग पटाका खरीदन पहुंचे। पटाका वेचण वाले दुकानदारां दे मुताबिक इस बार कोरोना महामारी दे चलदे लागू लॉकडाउन दे कारण उत्पादन काफी घट है ते उहनां वल्लों इस बार सेल घट होण दी शंका भी जताई जा रही है। चंडीगढ़ में और दिल्ली में राजस्थान में पटाखों पर बैन, अभी क्या असर दिख रहा है? देखो जी, अभी चंडीगढ़ में तो पटाखा खुल गया है, चंडीगढ़ में बंद है और उसके कारण ग्राहक है जो सारा पंजाब में आ रहा है। पटाखा तो देखो जी बैन करके चलेगा तो ज़रूर चंडीगढ़ में भी चलेगा, यहाँ पंजाब में तो पूरा उत्साह से पटाखा बिक रहा है। तो अभी यहाँ लुधियाना में जैसे कोविड के दौरान काफ़ी बिजनेस पर काफ़ी असर दिखा था, तो अभी कैसा लग रहा है सीजन का? वैसे पिछले साल की तरह थोड़ा कम है काम, और अपना अभी जो अब ग्राहक निकलने लग गया है, दिवाली का उत्सव है, अभी रिस्पॉन्स अच्छा चल रहा है। लेकिन पटाखों के पीछे पैदा भी कम हुआ है, उत्पादन कम हुआ है, लगता है कुछ माल, देखो जी अपना अब चार पाँच महीने तो माल नहीं आया, अभी माल जो आ रहा है वैरायटी कम आ रही है, पर वैरायटी आ रही है कम आ रही है तो आगे से कैसे लगता है? अच्छा सीजन निकलेगा इस बार उम्मीद है? सीजन की उम्मीद तो देखो जी, अब पहले तो हमें उम्मीद ही नहीं थी दिवाली पटाखा लगेगा, अभी उम्मीद जागी पूरी भी, अभी माल बिकेगा पूरा। जहाँ में पटाखों की स्थिति ठीक है, जहाँ जो भी स्टेट्स बंद है वहाँ से ग्राहक भी यहाँ लुधियाना में पहुँच रहा है, और एक बेनिफिट पटाखा व्यापारियों को ये होगा कि कोरोना के चलते मैन्युफैक्चरिंग कम हुई, इसलिए इसका भी बेनिफिट होएगा। और पंजाब के मुख्यमंत्री ने तो स्टेटमेंट दे दिया भी पंजाब में पटाखा चलाओ, कोई पाबंदी नहीं है, यहाँ पे कोई पोल्यूशन नहीं है। मैं उनका स्वागत करता हूँ इस चीज़ का, और ये फेस्टिवल है, भाईचारे का फेस्टिवल है, सब लोग मिलके हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलके मनाते हैं, और ये खुशियों का त्यौहार है, इस पर कोई बैन नहीं होना चाहिए, और जो भी स्टेट्स में हुआ है वो बंद खुलना चाहिए। क्या लगता है, एक उम्मीद थी पहले कि कोविड के दौरान ये आ रहा था ये पटाखा नहीं बिकेगा? पहले बहुत शंका थी कोविड के कारण, व्यापारी सभी तरह के व्यापारी परेशान थे, लेकिन आज जो मंडी में माहौल है, हम भी पहले परेशान थे लेकिन जो मंडी में माहौल है वो अच्छा है, अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, कस्टमर निकल नहीं, कस्टमर आ रहा है, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग हुई है वो कम हुई है, इसलिए स्टॉक कम है, जो पहले आएगा वही पाएगा, ऐसी स्थिति होएगी जो हमें लगता है। सीजन देखो जी, तीन चार दिन हो गए हैं लुधियाना दे विच, मंडी दाना मंडी दे विच सज चुकी है, गाहक आ रहा है, साडे कोल स्टॉक 50% है पिछले साल नालों, तो कस्टमर वॉकिंग कस्टमर शुरू है कोविड होने तो बाद भी। कितों कितों आ रहा है? हिमाचल, पंजाब, पंजाब की नेड़े तेड़े मंडिया जो 300-400 पिंड लगते हैं, चंडीगढ़ वगैरह तो भी आ रहे हैं, क्योंकि चंडीगढ़ अवेलेबल नहीं है, बैन है, वो कहते हैं पंचकूला जाके बजावे पटाखे किसी रिश्तेदार के घर या लुधियाने, दिल्ली वाले भी इतने लुधियाने आ रहे, वो कहते हैं दिवाली मनाने, एक त्यौहार है जोड़ा कि वर्ल्ड फेमस त्यौहार है दिवाली सारे धर्मों का। असी लैना गए, साढ़े काफ़ी रिश्तेदार रेंगे ने तो वो साढ़े घर ही मिला गए, चंडीगढ़ वगैरह रेंगे ने तो साढ़े घर ही आएंगे, उत्थे मिलते ने वे पटाखे। सब तो ज़्यादा वधिया त्यौहार यही है दिवाली, यही ना मनाइए तो फिर रहने, तो बंद हो गए इतने सारे, इस करके आ रहे कि चलो इतने खरीद के अपना खुशी खुशी त्यौहार मनाइए। कैमरामैन सुरेंद्र अरोड़ा की रिपोर्ट, लुधियाना लाइव।